अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी YouTube फैमिली वाला घर स्तर बस्तर आबाद रहो शाद रहो। तो जी इस टाइम हम जा रहे हैं, हमारे घर में आने वाला बेबी, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो जबील भाई और भाई शहबाज भी वही हैं, तो हम अभी बैकों पर पीछे जा रहे हैं, वो पहले गए हम उसके बाद जा रहे हैं अभी। तो परेशान होगा रात को, फिर इंशाल्लाह हम वापस आएंगे बच्चे को सही सलामत दे के। सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला भी उसे नूरी ने औलाद दे, बेटी हो या बेटा हो सेहतमंद हो बस। और पहुँचे तो भाई बाइक हो गया पंचर, भाई साहब लगा रहे बाइक को पंचर, वसीम वाले वहाँ बैठे, तो अभी शुक्र है पंचर वाला मिल गया, नहीं तो फिर मुसीबत पड़ जाती। रात वाले ये टैंकी वाला खड़ा था, नहीं तो भाई ये भी सुने भी क्या सिस्टम बनाया हुआ, अभी चलते हुए ये जहाँ भी बुलाओ उसे आ जाते हैं। तो इसे कॉल की आ गया, तो अभी पंचर लगा रहे। हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं आगे भाई कितना देर है। इसको देखिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ कर, सीन भी मेरे साथ आया हुआ है और ये बच्चे भी है बैठे हैं वेट कर रहे हैं अभी। खाओ भाई खाओ, जो शुरुआती तो खाना खाते हैं उसके बाद जो है उसके बाद तो उसे बात करेंगे। और ये इसका चाचू है, यहाँ हमें खाना खिला रहे हैं, तो वही शाहबाद के साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं। तो भी जब तक होता है तो फिर खाना खाते हैं, उसके बाद आपको खुशी की खबर देते हैं। अभी बच्चे की तबीयत सही नहीं है, तो अभी हम आए डॉक्टर के पास, लेकिन ये डॉक्टर भी नहीं, आगे चलते हैं कौन देखते हैं अभी कौन सा डॉक्टर हमें मिलता है। इमरजेंसी में आ चुके हैं रहीम यार खान छोटे बच्चे के लिए, और उस ये देख रहे हैं इस गाड़ी पर आए, तो अल्लाह खैर करे अभी बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, सब दुआ करें। हमें इमरजेंसी भेज दिया, मम्मा उसकी उधर है और हम इमरजेंसी आ चुके, चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं, उसके बाद ही हमारे दोस्त हमारे साथ है, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर गपशप लगा। चाय आ चुके हैं और हम आए हुए हैं क्या भाई इस होटल पर। अभी जो बच्चा था ना हॉस्पिटल से ले आए यहाँ पर, इसने वहाँ अलाउ नहीं है, जो भी ज़्यादा बंदे बैठे, एक बंदे को बैठने देते, हम जा ही रहे हैं, कुछ रिश्ता वगैरह हमने लाया नहीं था, तो बैठे हुए अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे, फिर अस्पताल मरीज़ के पास जाएंगे जी। तो जाग नहीं रहे, तो 3 बजे पे अभी चाय पीने हैं होटल से। तो जो मेरे वो साली का बेटा था वो घर रह गए, तो मैं मेरी वाइफ और शाहबाज को उन लोगों ने मेरे साथ भेजा, हम सब एक साथ हैं। तो बाकी जो है ना सब पीछे हैं वहाँ बच्चे के पास जहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो हम यहाँ सारा जाग रहे हैं। तो अंदर भी एक बंदे को आने देते हैं, दूसरा नहीं आ सकता। तो वाइफ और बच्चा वहाँ और एक बेटी हमारी जो है ना बच्ची, वो वहाँ बच्चे के पास है। तो एक 22,000 का इंजेक्शन बताया, वो हमें बहुत मुश्किल से मिला है, वो अभी लगा के फिर हम चाय पीने की तरफ आ गए। सब दुआ करें बच्चे की सांसें जो है ना अजीब से सांस की तकलीफ है उसे, बहुत जल्द ठीक हो जाए। हम अब इमरजेंसी में लेके आए रहीमिया खान से, एम्बुलेंस पर आए, तो अल्लाह खैर करे उस बच्चे पर। आप सब दुआ कीजिएगा उस बच्चे के लिए। अच्छा अभी सुबह हो चुके हैं और हम करते हैं नाश्ता, नाश्ते के बाद जो क्या है छोले में छोले और भाई परौंठा है, उसके साथ नाश्ता करते हैं, जो भी वाइफ के लिए भी लेके चलते हैं। तो नाश्ता करते हैं, अभी सारा रात जागते रहे, अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद घर चलता भाई वो अस्पताल चलते हैं भाई। तो नाश्ते करने के बाद इंशाल्लाह हस्पताल चलते हैं। तो पूरी रात जागते रहे, आँखों का ये हाल हो गया, नाश्ता करते हैं उनके लिए भी लेके चलते हैं, पूरी रात वो भी जागते रहे। तो बस दुआ कीजिएगा जिसके लिए हम जगह रहे काट रहे हैं, वो बच्चे का अल्लाह ताला आफियत दे। हम अभी हॉस्पिटल से जा रहे हैं और भी बच्चे बच्चों के साथ अब यही रहेगा, जमील अहमद साहब आ चुके हैं और इंशाल्लाह तो हम चल रहे हैं घर, फिर इंशाल्लाह कल आएंगे। तो दुआ कीजिए बच्चा अभी ठीक नहीं है, तो हम घर जा रहे हैं मैं और मेरी वाइफ। और लेडी क्या कर रहा था, शहर पहुंच गया हूं, तो भाई यहां से बनवा रहे हैं दाल माछ, हमारे शहर में बहुत प्यारी दाल बनती। तो जी व्लॉग का करते हैं एंड, मेरी यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए, बच्चा जो है ना शेख जाहिद अस्पताल में कल रात हम ले गए थे इमरजेंसी में, बच्ची जो है हमारी वो खानपुर में है, मतलब है, वो और हॉस्पिटल में है। तो इन्होंने जवाब दे दिया था, अभी बच्चे का सांस मुश्किल से आ जा रहा था, तो हमें इंजेक्शन नहीं मिला रहा था, हम यहाँ से फिर इन लोगों ने जवाब दिया डॉक्टरों ने खानपुर वालों ने हमारे शहर वालों ने, तो फिर हम और विलेज ले गए थे रहीमिया खान अपने बड़े विलेज में शेख जाहिद अस्पताल में। तो भाई पहले भी इसी बच्ची के नाम 3 बेटे ज़ाया हो चुके हैं, फोत हो चुके हैं, यानी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन
ज़िंदा रहते हैं, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो सब दुआ करें इस बच्ची के लिए। तो इसने पूरा साल भी अपना इसकी दवा इलाज भी चलता रहा है, यानी पीला यरकान जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस सी है। तो अल्लाह करम करे भाई इस पर, क्योंकि बच्चे भाई पुतला भी होना बचेगा तो वो भी प्यारा लगता है। अल्लाह ताला जिसको दिए वो उसको बख्श दे, उनकी लंबी उम्र करे, अपने माँ बाप का वो साया बने, और जिसको नहीं दिए अल्लाह ताला उसे दे, जिसे दे रहा है अल्लाह ताला उसे बख्श दे। मेरी दुआ है सब के लिए। तो भाई उस बच्चे के लिए आप ज़रूर दुआ करें, उसकी बिल्कुल डॉक्टरों ने ना मतलब उसका ऑक्सीजन लगाया हुआ है, वो ग़िज़ा के लिए एक नाली नाक में लगाइए। तो उस बच्चे के लिए दुआ करें, ये चौथा बच्चा है उनका, हमारे बच्चे के लिए दुआ करें। सब यूट्यूब फैमिली से मेरी इल्तजा है आज। तो अल्लाह ताला सब को हंसता मुस्कराते रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे। बच्चे की जान अभी भी ख़तरे में है, तो भाई आप सब दुआ करें। किसी के मुँह से कोई अच्छी दुआ निकले तो अल्लाह ताला उन्हें बच्चा वो बख्श दे। वो बोझ तरस रहे बच्चे के लिए, अभी मुझे तो अल्लाह ताला ने नहीं दिए, लेकिन जिसके भी है अल्लाह ताला सब को बख्श दे और इनको भी बख्श दे भाई। तो सबको यही इल्तजा है। और बातें आज मैं नहीं करूँगा, ना मैंने कभी लोग देखा है, क्योंकि कल रात से मैं जाग रहा हूँ, मेरा ना गला साथ दे रहा है और ना आँखें दे रही है, क्योंकि कल से अब मैं जागने लगा हूँ पूरी रात। वहाँ ना एक बंदे को बैठने देते हॉस्पिटल के अंदर, बाहर दूसरों को बाहर बिठाते, तो पूरी रात सर्दी में जागते रहे। तो खैर मैंने कोट शोट और ये कपड़ा ले लिया था, तो शहबाज़ भी वही था और वो जमील साहब अपना अपनी भाभी के पास था। तो हम मैं और शहबाज़, मेरी वाइफ, तो एक बच्ची और थी हमारे साथ, हम चार बंदे वहाँ थे। पूरी रात जागते रहे, आँखें साथ नहीं दे रही। अब मैं, मेरी वाइफ की भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस सबके लिए दुआ करें, मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कराते रखे। अगर मेरा व्लॉग और मेरी बातें अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चाचे के साथ देने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कराते रखे। अल्लाह हाफिज़। हो सके तो चाचे की सपोर्ट करें और उसे सब्सक्राइब भी कर दें भाई मेरे वीडियोज़ को। अल्लाह हाफिज़।